नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश और आप देख रहे हो एसएससी स्टॉक मार्केट। बात करेंगे इस वीडियो में आरटीएन पावर के बारे में, या फिर सीधा सीधा कह लें रतन पावर के बारे में, या फिर सीधा सीधा कह लें रतन इंडिया पावर के बारे में बात करेंगे। देखिए आज इसके टेक्निकल के बारे में ही, और इसमें लगभग बड़ा सा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है आज के डेट में जो देखेंगे। तो देखिए आज चलिए 3% की गिरावट तो हुई है। देखिए इसका डेली अगर इन्फॉर्मेशन पहले देख लेते हैं, टोटल जो एनएससी पे वॉल्यूम ट्रेड हुआ है आज, इसमें लगभग 7,58,90,166 इक्विटी शेयर ट्रेड हुआ है। सीधा सीधा कह लें कि 7.5 करोड़ इक्विटी शेयर आज इसमें ट्रेड होता हुआ दिखा है। आज का लोअर सर्किट था लगभग, ये कल का हो जाएगा, कल का लोअर सर्किट इसमें हो जाएगा 10 रुपये 65 पैसे का, और कल का जो अपर सर्किट इसका हो जाएगा 11 रुपये 75 पैसे। तो कल 10 रुपये 65 पैसे का लोअर सर्किट रहेगा और 11 रुपये 75 पैसे का अपर सर्किट रहेगा। आज अगर देखेंगे तो 11 रुपये के 20 के प्राइस पे आज इसमें 11 लाख इक्विटी शेयर जो है अभी भी सेलिंग के साइड में लगे ही हुए हैं, एमओ ऑर्डर लगा हुआ है। ये इसके लिए हो सकता है निगेटिव बन जाए। अब देखिए जो शेयर जो टोटल ट्रेड हुए हैं उनकी टोटल ट्रेडेड वैल्यू आ रही है 85 करोड़ रुपए, और आज का डिलीवरी परसेंटेज इसका निकल के सामने आ रहा है लगभग वही 50-51% के आसपास का। पहले देखिए ये इक्वी कैटेगरी में आ गया है आज से, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को मैं एक वीडियो बनाया था जब ये एसएम के लिस्ट से बाहर आया था, और मैं ही आप लोगों को इकलौता अपडेट दिया था कि रतन पावर खुशखबरी आ चुकी है, एसएम लिस्ट से बाहर हो गया, लॉन्ग टर्म SM3 में आ गया है 13 मई 2024 से, मतलब आज से। और यहाँ पे भी देख लीजिए आप लोग कि देखिए लॉन्ग टर्म के SM3 में आ चुका है ये शेयर, और इसका इक्विटी शेयर ट्रेडिंग जो है मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग भी चालू हो गया। हाँ प्राइस बैंड अभी चेंज नहीं हुआ है भाई, प्राइस बैंड जब चेंज होगा ना तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि प्राइस बैंड वाली लिस्ट को मैं फॉलो करता हूँ, हर दिन देखता हूँ। अगर आज रहा होगा तो आज भी मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो कल जब भी बाहर आएगा, मतलब जब भी इसका सर्किट लिमिट बढ़ेगा तब मैं आपको बता दूंगा। हालांकि सर्किट लिमिट इसका अब बढ़ जाएगा, 10-15 दिन और लगेगा, जब ये स्टेज 2 में आएगा ना तब इसका सर्किट लिमिट मेरे हिसाब से 10% के आसपास हो सकता है, संभावना है, होगा नहीं होगा ये क्लियर नहीं होता है कुछ भी, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, अगर आज के गिरावट के बारे में बात करेंगे तो ये नॉर्मल सी गिरावट है, इस गिरावट से बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। देखिए कोई किसी को आप लोग अगर फॉलो करते हो ना, तो जो वो बता रहा है अगर केवल उसी को फॉलो करते हो, तो नहीं तो केवल उसका एक व्यू आप लोग ले रहे हो, बाकी डिसीजन आपका रहेगा, तो आप अपने हिसाब से काम करिएगा। देखिए मेरा क्या इसमें व्यू है, मैं क्या इसमें सोच रहा हूँ, मुझे क्या लग रहा है इसमें, मैं अपना व्यू आप लोगों को क्लियर बता दे रहा हूँ। मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि थोड़ा बहुत ये गिरेगा नीचे के साइड में करेक्शन करेगा तब खरीदारी करेंगे, तो आप गलत हो सकते हो। यहीं पे खरीदारी करना है, बिल्कुल इसी लेवल पे खरीदारी करना है, एक पैसा नहीं इंतजार करना है कि ये नीचे गिरेगा, क्योंकि ये वाली जब कैंडल बन रही थी तब भी मैं बोला था कि 10 रुपये के ऊपर ऊपर ही इसको खरीदना है, 10 रुपये के नीचे का इंतजार मत करिएगा आप लोग, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि 10 रुपये के नीचे जाएगा और रिट्रेसमेंट करेगा। हालांकि करने के लिए तो चलिए कर देगा, उसके लिए मैं लेवल नोट कर लिया हूँ नीचे, लेकिन खरीदारी इसी लेवल पे करना है। अगर आप लोगों को कंफर्मेशन के साथ खरीदारी करना है तो 12 रुपये 12.5 रुपये का लेवल, मतलब ये वाला हाई का लेवल है, उसको ब्रेक करने दीजिए, ठीक है ना, उसके बाद खरीदारी आप लोग कर सकते हो। लेकिन मेरा व्यू है इसी लेवल पे खरीदारी करने का, यहाँ पे मेरे साइड से रहेगा बाय। आप लोगों को स्टॉप लॉस फॉलो करना है तो स्टॉप लॉस आप लोग फॉलो करिएगा 10 रुपये के नीचे का, या फिर कह लें जो लेवल मैंने ड्रॉ किया है वो आ रहा है 9 रुपये 9 रुपये, यहाँ पे एसएल बता रहा हूँ, एसएल 9 रुपये 75 पैसे का, ठीक है, 9 रुपये 75 पैसे का इसमें आप लोग स्टॉप लॉस फॉलो करिएगा। इसके नीचे डेली कैंडल क्लोज करनी चाहिए तब अगले दिन स्टॉप लॉस लेना है, ठीक है ना, तो ये ध्यान दीजिएगा। और जब ही 12 रुपये का ब्रेकआउट देगा, 12.5 रुपये का ब्रेकआउट देगा, 12.40 रुपये का आगे हम लोगों को टारगेट मिलेगा 14 रुपये और 15 रुपये। तो इस टारगेट के लिए करना है खरीदारी, अभी बहुत बड़े टारगेट के लिए तो मैं अभी इसमें नहीं सोच रहा हूँ, बस यही 14-15 रुपये का टारगेट है, 9.5 रुपये के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप लोग खरीदारी करिएगा, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा आज इसमें कई सारी लार्ज डील भी ट्रेड हुई हैं, जैसे कि देखेंगे यहाँ पे आप लोग 76 नंबर ऑफ लार्ज डील ट्रेड हुई हैं, जो ओपन करके देखेंगे तो 1.25 करोड़, 1.5 करोड़, आधा आधा करोड़, मतलब वहीं 50 लाख 50 लाख के कई सारे शेयर जो है यहाँ पे ट्रेड हुए हैं, और इतना बहुत है भाई, ठीक है ना, छोटा शेयर है, पैनी शेयर है, मार्केट कैप के लिहाज से
85 करोड़ के शेयर ट्रेड हो जा रहे हैं, बहुत बात है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, 1.25 करोड़, 1.25 करोड़, 1 करोड़, यहाँ पे देखिए 2 करोड़, 1.25 करोड़, 10:21 के आसपास है, यहाँ पे 1 करोड़, यहाँ पे 1 करोड़, इस तरह से बहुत बड़ी बड़ी लार्ज डील ट्रेड हुई है। न्यूज़ की बात करेंगे तो न्यूज तो चलिए ठीक है, एक छोटी मोटी आ रही है, लेकिन ये भी बहुत कुछ ज़्यादा न्यूज है नहीं। ठीक है ना, 11 रुपये पर जाएगा यह पावर शेयर, खरीदने की मची लूट, इस तरह से जो है ये एक अपडेट निकल के सामने आ रहा है। ठीक है ना, और कितना तेजी हुई, कितना मंदी हुई, यही बस हिस्ट्री ही बताया गया है, बाकी कुछ नहीं बताया गया है। तो देख लीजिएगा वीडियो, अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ करके लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रिजल्ट डेट अभी इसका नहीं आया है, आएगा तो अपडेट दूंगा।